हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉ हेप्टागन बाय सेमी सर्कल मेथड। मतलब हमें हेप्टागन निकालना है सेमी सर्कल मेथड से। हेप्टागन मतलब क्या होता है कि उसमें 7 कोण होते हैं। तो हेप्टागन निकालते समय ध्यान में रखें कि अगर जो भी क्वेश्चन में अगर हमें साइड का माप दिया है, जैसे एग्जाम्पल में अगर साइड का माप 40 mm दिया है, तो उसके हिसाब से हम हेप्टागन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक पैरेलल लाइन लेके जो माप दिया जाएगा वो माप तक हमें ऐसे एक लाइन निकाल लेना है। जैसे 40 दिया तो 40 पे हम ऐसे एक माप लेके लाइन निकाल लिए। इसे क्या इसका नाम दे देंगे हम ए और बी। इसके बाद क्या करना है, ए और बी तक का माप ऐसे इस तरह से कंपास में सेट करना है। कंपास में सेट करके हमें एक सेमी सर्कल निकाल लेना है। इस तरह से सेमी सर्कल निकालना है। उसके बाद ये जो हमारा लाइन है इसे हम सामने की तरफ इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ऐसे ये हमारा टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। और हमें निकालना है हेप्टागन। हेप्टागन मतलब 7 कोण होते हैं। तो 180 डिग्री को हमें 7 से डिवाइड करना है सेम भाग में, तो उसका आंसर आ जाता है 25.71। तो प्रोटेक्टर हेड के सहायता से हमें सबसे पहले 25 इसमें ऐसे एक माप सेट करना है। उसके बाद जहाँ पे हमारा डिग्री आया था वहाँ से ए तक में ऐसे स्केल रख के ऐसे क्रॉस कट कर लेना है। कट करने के बाद कंपास की सहायता से इसी माप को सेट कर लेना है। माप को सेट करके जो हमने सेमी सर्कल निकाले उसके ऊपर पूरे ऐसे चाप निकाल लेना है इस तरह से। चाप निकाल लेना है और इसके ऊपर हम नाम दे देंगे 1, 2, 3। नंबरिंग कर ली। उसके बाद क्या करना है, 2 से ए तक को इस तरह से जोड़ना है। 2 से ए तक को इस तरह से जोड़ना है। उसके बाद कंपास की सहायता से हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए बी के ऊपर कंपास रखना है और आधा से ज़्यादा माप लेके इस तरह से चाप निकालना है, बाइसेक्ट करना है। ऑपोजिट साइड में भी सेम बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद जैसे जहाँ पे हमारा क्रॉस पॉइंट आया वहाँ से सीधा लाइन हमें निकाल लेना है इस तरह से। और इस साइड में भी जहाँ पे हमारा क्रॉस पॉइंट आया था वहाँ से हमें ऐसे जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रॉस पॉइंट आया इसे हम नाम दे देंगे ओ। इसके बाद क्या करना है, हमें जो कंपास है कंपास को ओ के ऊपर रखना है और ए तक का माप हमें सेट करना है कंपास में। ए तक का माप सेट करना है इस तरह से। ए तक का माप सेट करके सर्कल निकाल लेना है इस तरह से। सर्कल निकाल लेने के बाद हमें जैसे ए और बी है, ए और बी तक का माप हमें कंपास में सेट कर लेना है सबसे पहले इस तरह से। उसके बाद जो हमने सर्कल निकाले थे वो सर्कल के ऊपर इस तरह से हमें चाप निकाल लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी हमने चाप निकाले इन सबको जोड़ देना है एक दूसरे के साथ इस तरह से। इस तरह से हर चाप को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है।
जहाँ पे आप देख सकते कि हमारा जो हेप्टागन था वो तैयार हो गया। जैसे हेप्टागन में 7 कोण होते हैं, तो ये इसमें हम नाम दे देंगे, जैसे ये बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ और जी, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 हेप्टागन इस तरह से निकाला जाता है बाय सेमी सर्कल मेथड से। सबसे ज़्यादा पेपर में इसी के बारे में ही पूछा जाता है फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।